हेलो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्टोर रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस की फिल्म द टाइम्स टू इकिल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी फ्रोक नंदिता दास ओमपुरी और मिक्सिंग सिंह की विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वी एन एस वी एन माइकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रानडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह सत्ताईस मिनट का था, था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी नौ साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बहरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइया को मामलों में में अपने हाथों लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवध हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा, अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्थर लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छह महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छे इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फैंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपदी के रूप में जय किशोर पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग है और तन्वी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में में दुर्गा के या सम्राट थमानी में दुर्गा के विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो मूवी में जो शीर्षक था वो वालंग वालिगम ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से इसने स्थान सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म उन्नीस ट्वेंटी नाइन जुलाई सन उन्नीस सौ को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीस के दशक में उत्तराद उत्तराध उदाह में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा स्कूल शनावरी में व्यवसाय अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था रिचा शर्मा सन इन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले सन् 1998 में शादी की डिवोर्स हुआ 2008 में और मा, मान्यता दत्ता मान्यता दत्त के साथी 2008 में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माथी सनिदत्त के परिवार का, का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी 1981 से की थी एक करियर में मंदी का पालन किया जब वह जब जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम 1986 ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया वह साजन सन 1991 में, में सड़क सन 1991 में, में खलनायक सन 1993 के साथ स्टारडम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन 1993 में, में आतिश सन 1994 जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन 1999 में, में में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए तत्के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यवसायिक सफलता रही है जयकिशोरप के बारे में बताया जाता है कि जयकिशोरप का जन्म एक फरवरी 1957 को हुआ था जयकिशोरप एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय से अधिक के दशकों के अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणाक कौन की औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की दो सौ बीस से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तिरासी ते फिल्म के साथ रातों रात स्टार बन गई और अंत में उन्हें उन्नीस सौ अस्सी से लेकर उन्नीस सौ नब्बे के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सन उन्नीस से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि की जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुबाई श्रोफ के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित २००२ की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस सौ की फिल्म द टाइम्स टू इकिल्स के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजेकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद उपटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त की सरोफ नदिता दास ओमपुरी और मिक सिंह की है छायांकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वीएनएस वीएन एस का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रानडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला, के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बचू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले की कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवध से हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अ अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है ने, नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग हैं और तन्वी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है, के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी खुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो मूवी में जो शीर्षक था वो वालंग निगमी ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्हें वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन उन्नीस को हुआ था एक भारतीय नेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में दस संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं आशी के दशक में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता सक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन इन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वह अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस में सड़क सन उन्नीस में खलनायक सन उन्नीस के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म फरवरी सन उन्नीस को हुआ था जयकि एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों दशकों के 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 भारतीय समय समय से से अधिक अधिक बॉलीवुड उद्योग में २०२० तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगू मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणकी कोण औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन 1983 फिल्म के साथ रातों-रात स्टार बन गई और अंत में उन्हें 1980 से लेकर 1990 के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता से करियर शुरू से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर सरोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोप ने जो में बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभाई शोप के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित २००२ की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस सौ की फिल्म द टाइम्स टू इक्ल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी श्रॉफ नदिता दास ओमपुरी और मिक्सिंग सिंह की है छायांकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वीएनएस वीएन एस मायकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रणडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो को और कार्यक्रम एक सौ मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर अमीर शक्तिशाली शक्तिशाली और और दूसरा एक क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी नौ साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामनारायण भारद्वाज जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और खु इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्थर लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि रूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी नैना के रूप में सागर थवाली के रूप में, में दुर्गा के, है के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी खुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो बिटवीन वालंग निगमी ने सोरेन कुटेल को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से इसने 17 फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्हें वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म उन्नीस ट्वेंटी नाइन जुलाई सन उन्नीस को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में द संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता सक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था रिचा शर्मा सन इन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और न... नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में सड़क सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में खलनायक सन उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और गुमराह सन उन्नीस में आतिश सन उन्नीस जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में दाग और कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म फरवरी सन उन्नीस सौ को हुआ था जैकि श्रो एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय समय से से अधिक अधिक के के दशकों बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगू मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणकी कोण औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन के साथ के स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोप ने जन्मे बॉम्बे पर भारतीय काकुभाई काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथना सन उन्नीस की फिल्म द टाइम्स टू इकिल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के, के सिंह संवाद उपटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी सरो नंदिता दास ओमपुरी और मिक सिंह की छाया विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वी एन एस वी एन का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल राणेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह वे व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियुक्त एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बचू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुँचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि हारने के मानने के कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा, अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकी स्वरोप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है ने, नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग हैं और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है, के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी कुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो निगमी ने को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत स्थान सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म जुलाई सन उन्नीस सौ उनसठ को हुआ था एक भारतीय जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में उत्तरार्ध में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे 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 स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हजार आठ में और मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हजार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में सड़क सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में खलनायक सन उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म एक फरवरी सन उन्नीस सौ सत्तावन को हुआ था जैकि श्रोफ एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय समय से से अधिक अधिक के के दशकों बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगू मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणा कोणकी औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन रातोर, में, उन्हें 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 के के में स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशा दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोफ ने जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जैकिशन काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्टोर रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रोफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का सन फिल्म फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी श्रोक नंदिता दास ओमपुरी और मिक्सिंग की छायान विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वी एन एस वी एन का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रानडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियुक्त एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्चू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण भारद्वाजो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइया रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्ता लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसर्पण कर देता है और उसे छह महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छे, इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संचित है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि श्रोप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे है और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग है और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में में दुर्गा के सम्राट कुश के रूप में दुर्गा के भाई है, के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो मूवी में जो शीर्षक था वो बिटविंग वालंग ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से इसने स्थान सत्रह फरवरी दो हज़ार बाईस को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म उन्नीस ट्वेंटी नाइन जुलाई सन उन्नीस सौ उनसठ को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक में, उत राद, उत राद, उत में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी लैरिस स्कूल सनावरी में व्यवसायी अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में, में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हजार आठ में और मान्यता दत्ता अभिनेता दत्तसेन के साथी 2008 में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुरिल्दत्त पिता और नरगिस दत्त मां थी संगीत दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुरिल्दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी 1981 से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम 1986 में उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जैकि के बारे में बताया जाता है कि जैकि का जन्म एक फरवरी सन उन्नीस सौ सत्तावन को हुआ था जैकी एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय से अधिक के के दशकों अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में दो हजार बीस तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणा कोणकी ओडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की दो सौ बीस से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तेरासी नब्बे के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि श्रोप ने जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जैकिशन काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रोफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में हैं फिल्म का कथना सन उन्नीस सौ की फिल्म द टाइम्स टू इकिल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद उपटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी श्रॉफ नदिता दास ओमपुरी और मिक्सिंग की छायांकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वी एन एस वी एन मायकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल राणेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह सत्ताईस मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियुक्त एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण भारद्वाजो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइया रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाह को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्थर लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छह महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी इतने इतने पाप गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है की रुद्र के रूप में संचित है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रोपद के रूप में जैकि स्वरूप पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे है और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग है और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में में दुर्गा के या सम्राट थमानी कुश के रूप में दुर्गा के भाई उपस्थिति के, के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिता मूवी में जो शीर्षक था वो वालंग निगमी ने सोने कुटेन को दिया था और चंद्र में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से स्नेस्तान सत्रह फरवरी दो हजार बाईस को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म उन्नीस ट्वेंटी नाइन जुलाई सठ को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर ने कई पुरस्कार जीते और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीस के दशक में उत्तराद उत्तराध दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूर, शनावरी में व्यवसायी अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था रिचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हजार आठ में और मा, मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हजार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया, सन 1991 में, में सड़क में में, खलनायक उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और गुमराह सन उन्नीस में आतिश सन उन्नीस जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस में, में में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जैकी के बारे में बताया जाता है कि जैकी का जन्म एक फरवरी सन उन्नीस को हुआ था जैकी एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय से अधिक के दशकों के अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोड़ा कौन की औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की दो सौ बीस से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तिरासी ते फिल्म के साथ रातों रात स्टार बन गई और अंत में उन्हें उन्नीस सौ अस्सी से लेकर उन्नीस सौ नब्बे के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सन उन्नीस सौ बयासी से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोफ शहीद है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोफ ने जो जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस की फिल्म द टाइम्स टू इक्कील के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजेकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जय की स्वरूप नदीदास ओमपुरी और मिक्सिंग किए छैंकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वीएनएस वीएन माइकरी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रणडेगा रिलीज हुई 4 जनवरी 2002 को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह वे व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने वच्छू और भोला ने पीटा और भैरवी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले की कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुँचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवध से हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः तो रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फैंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के में। रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के, के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग है और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है। के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी खुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो बिटविंग ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन उन्नीस को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में उत्तरार्ध में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता शैक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन इन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मा मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का, का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस में, में सड़क सन उन्नीस में, में खलनायक सन उन्नीस के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रसार किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी सरोफ के बारे में बताया जाता है कि जकी सरोफ का जन्म एक फरवरी सन सत्तावन को हुआ था जैकी श्रॉफ एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय से अधिक के दशकों के अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणा कोण की ओडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तेरासी नब्बे के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर सरोफ सहित हैं प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोफ ने जो जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभा शोप के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथना सन उन्नीस की फिल्म द टाइम्स टू इकिल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के, के सिंह संवाद उपटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दा त्या की श्रोख नदी तादास ओमपुरी और मिक्सिंग है छैंकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वीएनएस वीएन माइकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रणडे का रिलीज हुई 4 जनवरी 2002 को और कार्यक्रम 117 27 मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी खंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह वे व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला, के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी नौ साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बहरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवध से हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छह महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फैंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है ने नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग हैं और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी कुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो बिटविंग ने सोरेन को दिया था उस संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्होंने एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन 1959 को हुआ था एक भारतीय नेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं 4 दशकों से अधिक के कैरियर में संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मा मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हजार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में सड़क सन उन्नीस सौ इक्यानवे में खलनायक सन उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन 1999 सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी श्रोफ के बारे में बताया जाता है कि जकी सरोफ का जन्म फरवरी सन उन्नीस सौ सत्तावन को हुआ था जय किश्रोफ एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय समय से से अधिक अधिक के के दशकों बॉलीवुड उद्योग में २०२० तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणकी कोण ओडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तिरासी के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर सरोफ सहित हैं प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोफ ने जो जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभा शोप के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस की फिल्म द टाइम्स टू इक्कील के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद उपटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त की श्रॉफ नदिता दास ओमपुरी और मिक सिंह की है छायांकन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन वीएनएस वीएन एस मायकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रानडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला, के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने वच्छू और भोला ने पीटा और भैरवी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले की कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुँचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फैंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रोप के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के में। रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार सिंह भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है ने नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग हैं और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है, के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी कुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो बिटवीन वालंग निगमी ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से स्नेतान सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्हें वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजीव दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन 1959 को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं 4 दशकों से अधिक के कैरियर में दत्त ने कई पुरस्कार जीते और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी, लेरी स्कूल्स सनावरी में व्यवसायी अभिनेता शक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मा मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस में, में सड़क सन उन्नीस में, में खलनायक सन उन्नीस सौ के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में, में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन सनिशो नवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म एक फरवरी सन उन्नीस को हुआ था जैकि श्रोफ एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय समय से से अधिक अधिक के के दशकों बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणकी कोण ओडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तिरासी उन्नीस सौ नब्बे के, के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर सरोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोप ने बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी सौ छियानवे की फिल्म द टाइम्स टू इक्कील के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी की है दासन विजय कुमार अरोड़ा और संपादन माइकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल राणेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह सत्ताईस मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण के बीच एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले की कठिनाइयां रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुँचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्ता लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छः महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फेंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रौपद के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार बिशिंग भोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी ने, और नैना के रूप में है और तनवी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है, के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी कुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो पिथा मूवी में जो शीर्षक था वो वालंग निगमी ने सोरेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से सत्रह फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय दत्त जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्हें वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजीव दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन 1959 को हुआ था एक भारतीय अभिनेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं 4 दशकों से अधिक के कैरियर में 100 से ज्यादा ने कई पुरस्कार जीते और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में उत्तरार्ध में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी लेरिस स्कूल स्कूल सनावरी में व्यवसायी अभिनेता सक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन उन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मा मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थी संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वे अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ इक्यासी से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में सड़क सन उन्नीस सौ इक्यानवे में, में खलनायक सन उन्नीस सौ तिरानवे के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में दाग और कॉमेडी फिल्म असीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म एक फरवरी सन उन्नीस को हुआ था जैकी श्रॉफ एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों के भारतीय समय से अधिक के दशकों के अधिक समय से बॉलीवुड उद्योग में 2020 तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगु मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणा कोणकी अवड़िया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन उन्नीस सौ तिरासी फिल्म के साथ से लेकर उन्नीस सौ नब्बे के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सेक्रेवर सन उन्नीस सौ बयासी से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर श्रोप सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोप ने बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभा के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का सन उन्नीस सौ की फिल्म द टाइम्स टू इक्कील के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी श्रोक नंदिता दास ओमपुरी और मिक सिंह कुमार अरोड़ा और संपादन का संगीत आनंद राज, आनंद राज के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल रानडेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक सौ सत्रह सत्ताईस मिनट का था, था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी नौ साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्छू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामनारायण भारद्वाज जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले कि कठिनाइया रुद्रा को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुंचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो और खु इसके बाद वह हालांकि अवध से हारने के मानने के झनकार कर देता है रुद्र अपने आदमियों को मा अपने आदमियों को मारा देता है और ठाकुर खुद अंत में रुद्र की पत्नी पारो द्वारा मारा जाता है पारो एक बड़ा पत्थर लेकर रुद्र के ऊपर मार देती है और पारो एक बड़ा पत्थर लेकर ठाकुर के ऊपर मार देती है और रुद्र फिर खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसे छ महीने की सजा दी जाती है अतः रिहा में हो जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है और अंत में शांति से अपना जीवन यापन करता है और उसकी छ इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद भी जज जब देखता है कि उसने जो कदम उठाया था वह एक इंसानियत के तौर पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उठाया गया था इसलिए उसे बहुत कम सजा दी गई फैंगना में बताया जाता है कि रुद्र के रूप में संजय दत्त है और रामनारायण भारद्वाज पुलिस अधिकारी द्रोप के रूप में जैकि स्वरूप है पारो के रूप में नंदिता दास है ओमपुरी ठाकुर अवध नारायण सिंह के रूप में है ठकुरानी के रूप में मीता वरिष्ठ है और अनुपमा अनुपमा वर्मा ठाकुर की बेटी के रूप में ठाकुर के सबसे बड़े बेटे बच्चों के रूप में सिद्धार्थ रे हैं और विनीत कुमार बोला के रूप में ठाकुर के सबसे छोटे बेटे हैं और शिव के रूप में सचिन खंडेकर है कृष्णा कृष्ण के रूप में सलील अकोला शिव के पुत्र के ठाकुर की बेटी का प्यार है ग्रामीण के रूप में अतुल काले हैं अंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में अ अंकुश चौधरी जूनियर डॉक्टर के रूप में और रेलवे स्टेशनर मास्टर के रूप में शिवाजी साटम है ने, नेता और नैना के रूप में मिक्सिंग हैं और तन्वी हेगडे दुर्गा के रूप में मुनिया है सागर थवाली के रूप में, में के, है, के रूप में दुर्गा के भाई या सम्राट थवानी खुश के रूप में दुर्गा के भाई विशेष उपस्थिति के रूप में कल्पा पंडित हैं और गीत और संगीत में देखा जाए तो मूवी में जो शीर्षक था वो बिट्विंग्स वालंग निगमी ने सोलेन कुटेन को दिया था और संदर्भ में देखा गया है कि पिता 2002 की कास्ट अभिनेता अभिनेत्री निर्देशक निर्माता संगीत से स्नेह स्थान 17 फरवरी 2022 को दिया गया था इसके बाद बताया जाता है कि संजय जो इस फिल्म के मेन किरदार रहा है जिन्हें वो एक बहुत ही गरीब बनकर इस फिल्म में रोल किया था संजय दत्त का जन्म 1929 जुलाई सन उन्नीस को हुआ था एक भारतीय नेता जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं चार दशकों से अधिक के कैरियर में दस संजय दत्त ने कई पुरस्कार जीते और दो सौ से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है जिसमें रोमांस को लेकर कॉमेडी शैली तक की हालांकि आमतौर पर एक एक्शन शैलियों में भी इस प्रकार खुद को सबसे लोकप्रिय हिंदी फिल्म अभिनेता में से एक साबित करते हैं सन उन्नीसो के दशक में दो में 2020 तक पैदा हुए संजय बलराज दत्त बॉम्बे बोस्टे बॉम्बे बॉम्बे स्टेट ऑफ भारत में शिक्षा लेरी लेरिस स्कूल सनावरी में व्यवसायी अभिनेता सक्रियावर्ष सन उन्नीस सौ इक्यासी से वर्तमान तक जीवन साथी इनका जो था ऋचा शर्मा सन इन्होंने उन्नीस सौ सतासी में शादी की उनकी मृत्यु सन उन्नीस सौ छियानवे में हुई रिया पिल्ले से सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में शादी की डिवोर्स हुआ दो हज़ार आठ में और मान्यता दत्ता मान्यता दत्त से इनकी शादी दो हज़ार आठ में इनके बच्चे तीन अभिभावक सुनील दत्त पिता और नरगिस दत्त माँ थीं संजय दत्त के परिवार का का हिस्सा वह अभिनेता सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं दत्त ने अपने अभिनय की शुरुआत रोकी सन उन्नीस सौ से की थी एक कैरियर में मंदी का पालन किया जब वह जब, जब तक कि कई क्राइम थ्रिलर नाम उन्नीस ने उनके कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड नहीं दिया वह साजन सन उन्नीस में सड़क सन उन्नीस में खलनायक सन उन्नीस के साथ स्टार्डम की ओर बढ़े और, और गुमराह सन उन्नीस सौ तिरानवे में आतिश सन उन्नीस सौ चौरानवे जैसी कई एक्शन फिल्मों में अभिनय करने जारी रखा एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने सन उन्नीस सौ निन्यानवे में, में, में दाग और कॉमेडी फिल्म हसीना मान जाएगी एक के साथ एक सफल वापसी ली अपने प्रदर्शन उन्नीस सौ निन्यानवे के वास्तव में 2002 के मिशन में कश्मीर समीक्षा द्वारा प्रशासन किया गया उन्हें कई पुरस्कार और नामांकन भी दिए गए थे मुन्ना भाई श्रृंखला 2003 से लेकर 2006 तक उन्होंने मुन्ना भाई की मूवी के लिए के व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है जो सबसे प्रतिष्ठा भूमिकाओं में उनकी अब तक की सबसे एकमात्र व्यावसायिक सफलता रही है जकी के बारे में बताया जाता है कि जकी का जन्म फरवरी सन उन्नीस को हुआ था जयकि एक भारतीय अभिनेता पूर, के पूर्व मॉडल और वह चार दशकों दशकों के 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 भारतीय समय समय से से अधिक अधिक बॉलीवुड उद्योग में २०२० तक हिंदी तमिल बंगाली मराठी और कन्नड़ तेलुगू मलयालम पंजाबी भोजपुरी कोणकी कोण औडिया गुजराती जैसी तेरह भाषाओं की 220 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए और अंग्रेजी उन्होंने अन्य प्रशंसाओं के बीच चार फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और सुभाष गई द्वारा हीरो सन 1983 फिल्म के साथ रातों रातों रात स्टार बन गई और अंत में उन्हें 1980 से लेकर 1990 के दशक के खुद को भारतीय सिनेमा के प्रमुख पुरुषों में से एक स्थापित किया इनका जन्म बॉम्बे बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ था व्यवसाय अभिनेता सक्रिय वर्ष 1980 से, से वर्तमान तक थी पत्नी का नाम आशिया दत्त है और इनके बच्चे दो टाइगर सरोफ सहित है प्रारंभिक जीवन में बताया जाता है कि सरोफ ने जन्मे बॉम्बे पर भारतीय जयकिशन काकुभाई शोप के रूप में हुआ था हेलो दोस्तों मैं आपके लिए ले लेके आया हूँ पिता हिंदी मूवी के और रिव्यू पिता महेश मंजेकर मंजेरेकर द्वारा निर्देशित एक अविनाश आदित्य द्वारा निर्मित 2002 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है इसमें संजय दत्त जैकी श्रॉफ नंदिता दास और ओमपुरी प्रमुख भूमिकाओं में है फिल्म का कथनाक सन उन्नीस सौ की फिल्म द टाइम्स टू इक्ल के सम्मान फिल्मों को समीक्षाओं के साथ दर्शकों ने भी खूब सराहा है निर्देशक महेश मंजरकर द्वारा लेखक है महेश मंजरकर के के सिंह संवाद पटकथा है तेजा कहानी द्वारा तेजा की है निर्माता अविनाश आदित्य की है अभिनय संजय दत्त जैकी फ्रोक नदिता दास ओमपुरी और मिक्सिंग सिंह की विजय कुमार अरोड़ा और संपादन मायकारी का संगीत आनंद राज आनंद के दिए गए हैं और स्कोर था राहुल राणेगा रिलीज हुई चार जनवरी दो हजार दो को और कार्यक्रम एक मिनट का था देश भारत थी और भाषा हिंदी भूखंड में देखा गया है कि ग्रामीण भारत में एक छोटे से शहर में दो पिताओं के बीच टकराव रह देखने को मिलता है एक अमीर शक्तिशाली और दूसरा एक अमीर शक्तिशाली और क्रूर जमींदार ठाकुर अवध नारायण सिंह जो चाहता है कि वह व्यक्ति ने अपने दो बेटों खिला के खिलाफ पुलिस के शिकायत दर्ज कराई थी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा दूसरा अवध द्वारा नियोजित एक गरीब मजदूर रुद्र जो न्याय चाहता है जब उसे पता चलता है कि उनकी 9 साल की बेटी दुर्गा को अवध के बेटों ने बच्चू और भोला ने पीटा और बेरहमी से उनके साथ बलात्कार किया है न्याय के लिए उनकी तलाश एक भ्रष्ट डॉक्टर के कारण कठिन हो जाती है जो उचित रूप से रिश्वत दिए जाने के बाद अपनी मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए तैयार हो जाता है इस फिल्म में डॉक्टर ने भी बहुत गलत किया है और उसने पैसे लेकर एक छोट नौ साल की बच्ची की रिपोर्ट बदल दी है और पुलिस निरीक्षण रामानारायण भारद्वाज जो अवध है और बेटे के खिलाफ किसी भी आरोप को छुड़ाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे अपने पैसे का और अपने रुतबे का घमंड था बसरते उन्हें ठाकुर से उनका बकाया मिले की कठिनाइयाँ रुद्र को मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर कर देती है और जब वह अदालत की तारीख के लिए पहुँचते हैं तो ठाकुर के दोनों बेटों को रुद्र द्वारा मार दिया जाता है रुद्र ठाकुर का सामना करता है तो अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगता है वह बोलता है कि ठाकुर साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है आपके बेटों ने मेरी नौ साल की बच्ची के साथ बहुत गलत किया था और मैंने उनका उनको दंड दे दिया है अब मैं आप पुलिस को सरेंडर करके अपने सभी गुनाहों को कबूल कर दूंगा लेकिन तुम मेरे फैमिली और बच्चे को जीने दो। और इसके बाद वह हालांकि अवश्य हारने के मानने के